हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड दिस इज़ नितिन परमार फ्रॉम प्रो टैलेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मुझे ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं और दे आर जनरली आस्किंग मी अ क्वेश्चन, सर मैं क्लैट की तैयारी कैसे करूं? ठीक है, अब मैंने इतने सारे वीडियो बना के रखे हैं एंड देन स्टिल आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो देयरफॉर आई हैव अंडरस्टूड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कैन से प्रो टैलेंट टू प्रोवाइड अ काइंड ऑफ काउंसलिंग। और इसकी वजह से ये काउंसलिंग के वीडियो हमने चालू करे हैं। ठीक है, यहाँ पे वी आर गिविंग यू अ बेटर पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये जो क्लैट जैसी एग्जाम होती है, जैसे कोई भी आप कंपिटेटिव एग्जाम के बारे में बात करें, क्लैट हो गया या कैट हो गया या मतलब JEE हो गया या ऐसा कोई भी एग्जाम की अगर आप बात करें, सो ये जो एग्जाम है वो पहली बार आप सब लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है दैट इतना बड़ा सिलेबस की तैयारी आप एक साल, दो साल, ढाई साल अच्छे से करें। ठीक है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर दिन जाकर उसका परफॉर्मेंस आप दीजिए। ठीक है, ज़्यादातर एग्जामिनेशंस अभी तक आपने जो दी या जो भी आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाले होंगे, उन सब प्रोजेक्ट में होता ये था कि 5 दिन का प्रोजेक्ट था, 7 दिन का प्रोजेक्ट था, या आपका जो सिलेबस था वो आप कुछ दिनों में कंप्लीट कर पाते थे और एग्जाम में जाकर आप उसको डिलीवर करके आ जाते थे। ठीक है, और हालांकि अब तो सिस्टम भी थोड़ी सेमेस्टर वाइज हो गई है, सो PA1 PA2 काइंड ऑफ सिस्टम इज देयर, जिसकी वजह से आपको टुकड़े टुकड़े में छोटा छोटा सिलेबस आपको कंप्लीट करना होता है। ये पहली बार क्लैट या JEE या ऐसी कोई भी एग्जाम आपको बोल रही है दैट अब आप एक बड़ा सिलेबस तैयार करें। ठीक है, और उस बड़े सिलेबस के बाद एक पर्टिकुलर दिन जाकर एग्जाम में परफॉर्म करिए और उसके बाद छोटे बच्चे से एक बड़े आदमी तक बनने की मुहिम पे आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू चेक। और इसके लिए एक बहुत अच्छी मानसिकता होनी चाहिए और यही मानसिकता के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज टू क्रैक क्लैट। हालांकि अगर कोई मुझे फ़ोन करके पूछता है कि मैं तैयारी कैसे करूँ, तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेल लीगल, आई हैव टू टेल अबाउट इंग्लिश, GK, ये सब के बारे में मुझे बताना ज़रूरी है, पर साथ साथ में एक मानसिकता जो आपकी डेवलप करनी है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आपको ये बात पूरी समझ आए और आप अपना माइंडसेट उस तरीके से डेवलप करें। सो व्हाट आर दी 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज टू क्रैक क्लैट सो दैट वी हैव दिस कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग माइंडसेट। सबसे पहली बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर कोई ऋषभ पंत को जाकर पूछे कि दोस्त ये जो अगली मैच है उसमें तुम्हें क्या लगता है तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे, अभी ऋषभ पंत बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाली मैचेस में खेला हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड कप में खेला, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करा, वेस्ट इंडीज़ के सामने 2 T20 के मैचेस खेली, बर्बाद हो गया। ठीक है, पर फिर भी उसका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है दैट आई विल डू इट। ठीक है, दिस इज द माइंडसेट ही हैज, तब जाकर वो परफॉर्म कर पाएगा। आपको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट अभी तक आपके साथ जो हुआ, ठीक है, स्कूलों में हुआ या आपके साथ प्रीवियस क्लैट के एग्जाम में हुआ, उन सबको भूलो एंड जस्ट फोकस ऑन द मेरिट ऑफ द डे, मेरिट ऑफ द बॉल। जैसे ऋषभ पंत क्या सोचेगा, बॉल की मेरिट पे अपने बल्ले को घुमाएगा और देखेगा कितने अच्छे परफॉर्मेंस दे पाता है, कोशिश करेगा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करने की और उसके लिए उसके अंदर विश्वास होगा कि वो कर पाएगा। एंड देयर बाय दिस इज वेरी क्रिटिकल टू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाऊंगा। यस, जोर से बोले मैं कर पाऊंगा। ठीक है, ये एटीट्यूड आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये एटीट्यूड दिखाया, ठीक है, तो आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपका पेपर कितना भी भारी आने वाला है, सिलेबस कितना भी बड़ा आने वाला है, आपको वो चिंता नहीं होगी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, रट्टा मत मारो दोस्तों। ठीक है, GK में लोग रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लीगल में रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। सर आपने अभी एक वीडियो में बताया था कि आप एक तरीके से रट्टा मारें, बिल्कुल मैंने बोला था
प्रिंसिपल्स को मेमोराइज कर लो, दिमाग में इम्प्रिंट करो, ताकि आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा सको। ध्यान रहे, हमें हर तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, दैट इज शाम दाम दंड भेद। एक तरफ से आपको अगर प्रिंसिपल समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, अब प्रिंसिपल समझ में आने के बाद अगर आप उसको याद रख पाओ तो ऑल द मोर बहुत अच्छी बात, ठीक है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको लगातार अपनी पढ़ाई के साथ जूझना है। जूझने का मतलब क्या होता है? जूझने का मतलब होता है कि आज आपने एक पढ़ाई करी है ना, आपको उसके बारे में कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया, ठीक है, और आपके पास उसका पार्शियल नॉलेज है, ठीक है। अब वो पार्शियल नॉलेज से आपने कुछ लेवल के क्वेश्चंस आप कर पाते हो, पर कुछ लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते हैं, और जब आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो ऑब्वियसली परेशानी ये हो जाती है कि भैया हमें तो वो चीज़ आती नहीं है, हम उस कंसेप्ट को सही तरीके से कर नहीं पाते। फिर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रट्टा मार लेते हैं। नहीं, ऐसा न करें, ठीक है। फोकस करें कि उसके पीछे के कंसेप्ट को देखें। ध्यान रहे, मैथ्स हो गया या इंग्लिश हो गया या लॉजिकल हो गया या लीगल हो गया या इवन जीके, सर जीके तो रट्टा ही मारना होगा। अरे बात बराबर है, जीके रट्टा मारना होगा, पर उसके पीछे के कंसेप्ट को तो देखें कि क्यों ये सिस्टम बना के रखी है, क्यों ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सिस्टम बना के रखी है, आज उसकी पोजीशन क्यों चेंज हो गई, किस वजह से चेंज हुई, कौन से आर्टिकल के द्वारा चेंज करी गई। सो उसके पीछे के लॉजिक को समझे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बहुत बार आपको लोगों के नाम याद रखने में एक इनसे जूझना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टे मारने में जूझना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंट्री के कैपिटल है ना, थोड़ा बहुत साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस याद रखने में दिक्कत पड़ेगी, पर भैया करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्ट्रगल इज द गेम, ये स्ट्रगल ही का तो फ्रूट आपको बाद में मिलने वाला है, तो प्लीज स्ट्रगल करना भूलिएगा मत, ठीक है। तो रट्टा मत मारो पर उसके साथ जूझो। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, सेट एंड मीट योर डेली टारगेट। आप अपने पूरे काम को डेली अलग अलग टारगेट में डिवाइड करो, ठीक है। और वो जो अलग अलग टारगेट में आपने डिवाइड किया है उस पर्टिकुलर डिवीजन को रोज रोज कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब आपका इतना बड़ा सिलेबस है, वो सिलेबस एक बार में कंप्लीट तो होगा नहीं, ठीक है। आपको उसको मंथली, वीकली और डेली टारगेट में निपटाना पड़ेगा, ठीक है। ये वो जो स्टूडेंट्स है अगर ये क्वालिटी डेवलप करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो मेरा टारगेट है वो टारगेट मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बगैर मैं सोऊंगा नहीं, ठीक है। और साथ में वो टारगेट भी उस तरीके से लगाते हैं कि भैया जो उस पर्टिकुलर समय में कंप्लीट हो सके, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी साइकोलॉजी, और आदमी की साइकोलॉजी होती है ऐसा करना। क्या करते हैं हम लोग समझो, ठीक है। हमने सोचा कि भैया हमने ये टारगेट लगाया, ख़त्म नहीं हुआ, यार आज तो मैंने बहुत सारा काम किया था, मैं थक गया हूँ, एक काम करता हूँ, मैं आज सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठूँगा, ठीक है। ये जो अप्रोच है कि आज नहीं कल सुबह जल्दी करूँगा, कल मैं थोड़ा समय लगा दूंगा, आज मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, आज मैंने स्कूल में ये काम कर दिया, आज फलाना था, आज दिखना था, भैया जरा भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे ही आपके मन में ये सब विचार आता है तो सीधा सबसे पहला पार्ट है उसको सही तरीके से कंप्लीट करो, ठीक है। क्या करो कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट को वापस याद दिलाओ, अपने गोल को वापस याद दिलाओ, दैट यू वांट टू गेट इनटू एनएलयू, और एनएलयू में आप इस तरीके से जा नहीं पाओगे कि आज नहीं कल करूँगा, ठीक है। उससे आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। अपना जो टेबल है उस टेबल पे अच्छे से बड़े अक्षर में लगा दो, दैट आई एम गोइंग टू क्रैक क्लैट एंड आई एम गोइंग टू क्रैक क्लैट विथ अ गुड रैंक, ठीक है। और रैंक भी लिख दो कि आपको कितना चाहिए, ठीक है। जब भी आपके मन में ये विचार आएगा कि आज मैं थक गया हूँ, ठीक है, या आज मैं फलानी चीज़ की वजह से नहीं कर पाऊँगा, कल करूँगा, वो आपको गोल मदद करेगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है, अगर जो जो स्टूडेंट्स इस बात को समझ पाते हैं, ठीक है, उनके लिए लाइफ में चीज़ें अपने आप चीज़ें सेट हो जाती है। ये परेशानी सिर्फ आज की थोड़ी है, ठीक है। अगले 5 साल जब आप एनएलयू में गुजारोगे वहाँ पे भी आपको बड़े बड़े काम करने, आप बड़े बड़े लॉयर बनोगे तब भी आपको ये सब काम करना पड़ेगा, आप जज बनोगे, जुडिशरी सर्विस में गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करने जाओगे, भैया बड़े काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मोदी साहब को ये सोचना है कि भाई 5 साल में मैं $5 trillion इकोनॉमी बना दूंगा, तो भैया वो रोज़ रोज़ का काम रोज़ रोज़ डेली टारगेट के मुताबिक छोटा 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 करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो एक बार में एक इनसे सब निपटा लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, अभी मानो एक तरीके से बुलेट ट्रेन बनानी है या दिल्ली से बॉम्बे का वैसे एक्सप्रेस वे बनाना है, तो एक बार में थोड़ी होगा, रोज उसका डेली टारगेट बनाया जाएगा और वो रोज डेली टारगेट अचीव होगा, दिस इज मस्ट। ठीक है, आप ये दिमाग में डाल दो, भले अगर मानो फॉर एग्जांपल विराट कोहली के ऊपर प्रेशर तो देखो है ना, उसको ये प्रेशर है कि अगले वर्ल्ड कप में उसको जीतना है और इंडिया को वर्ल्ड कप हासिल करना है, तो वो रोज रोज का टारगेट सेट करेगा, एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके आगे बढ़ेगा। सो दिस इज वॉट बेसिकली दी आइडिया विथ रिस्पेक्ट टू यू हैव टू वर्क। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देन फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, मैं वापस बताता हूं, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना है कैसे करोगे। ठीक है, पहले आप उसका वीडियो देखोगे या आपने उसकी क्लास अटेंड करी। ठीक है, आपने वीडियो देखा या क्लास अटेंड करी, फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ टॉट न्यूसेंस आपने वीडियो देखा, उसके साथ आपने नोट्स बनाई, बहुत महत्वपूर्ण चीज है नोट्स बनाना, खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ठीक है, उसके बाद आपने किताब में से या पीपीटी में से, जो हमने प्रो टैलेंट की पीपीटी दी है, आपने उसमें से उसके रीडिंग करी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके साथ आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे, ठीक है, आपने उसी टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से देखे तो वो टॉपिक का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ। ठीक है, और ये जो तीन चीजें अगर आप करोगे तो उसको बोलते हैं कि कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर। बहुत बार स्टूडेंट्स ये कर लेते हैं, ठीक है, नोट्स शायद बनाते नहीं है, वीडियो देख लिया। ठीक है, बुक का चैप्टर पढ़ना इज अ वेरी बोरिंग थिंग, तो वो करते नहीं है और उनको लगता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये चैप्टर के क्यों करूं, एक साथ मैं पूरा का पूरा जो टॉपिक है टॉट उसके क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा। मुझे लगता है कि वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से डेवलप हुए नहीं है। अगर आपके वो कंसेप्ट डेवलप हुए नहीं है और उसके बाद अगर आप कुछ दिनों के बाद उसके जो क्वेश्चंस करने बैठोगे तो आप सही तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब आप से वीडियो देखते हो, उसके साथ नोट बनाते हो, फिर खुद रीडिंग करते हो बुक में से, ठीक है, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट अच्छी तरीके से डेवलप होता रहता है। फिर उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो एकदम किल लगा देता है कि भाई आपको वो कंसेप्ट आ गया है, मन में फिट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको मदद करता है, जब आप उसको सेक्शनल टेस्ट दोगे तब आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। सो फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर। स्टूडेंट्स जो क्लैट क्रैक करते हैं वो इससे दूर भागते नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, अभी जीके के अंदर भी क्या करते हैं, उन्होंने चीजें पढ़ी, अब चीजें पढ़ने के साथ उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को याद रखते हैं कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन का मतलब क्या था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे प्लान देयर डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, प्लान डिस्ट्रक्शन बोला मैंने, अवॉइड नहीं बोला। आई अंडरस्टैंड इस उम्र में, इस एज पे, ठीक है, आपको डिस्ट्रक्शंस आते हैं। ठीक है, दोस्त है, दोस्त ने कॉल व्हाट्सएप भेजा, ठीक है, कोई किसी ने जोक भेजा, किसी ने कोई वीडियो भेजा, कोई नया कंटेंट आ गया तो आपको उसके पीछे जाने की इच्छा हो गई। भैया ध्यान रखें, आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे आप लेटेंगे नहीं, आप एक जगह पे टेबल चेयर लेकर बैठेंगे और वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। लेटे लेटे कहीं सोफे पे लेटे हुए पढ़ाई कर रहे हो, विच इज़ नॉट ओके। टेबल चेयर पे बैठे और उसको बड़ी इज्जत दे कि टेबल चेयर एक आपकी पवित्र जगह है, वहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी आपके मन में कोई डिस्ट्रक्शन वाला थॉट आता है, ठीक है, आप खड़े हो जाइए, पानी पी लीजिए, वापस आ जाइए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई पे वापस चालू करिए। और अपने डिस्ट्रक्शन के लिए एक अलग टाइम लगा लीजिए कि भाई मैं रोज़ इस समय के बीच में व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा, इंस्टाग्राम देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसे एक्टिव हो तो की बात है। और सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को आप इग्नोर मारें। ठीक है, स्पेशली फेसबुक से निकल जाए, इंस्टा से निकल जाए, स्नैपचैट से, वहां से निकल जाए, सिर्फ और सिर्फ आपके काम की पढ़ाई रिलेटेड, दैट इज टेलीग्राम। ठीक है, और ये YouTube वाली चीज़ आप रख सकते हैं, और उससे भी बेटर protalentdigital.com पे चले जाइए, वहीं से अपनी पढ़ाई करिए, दैट विल बी बेटर, वहाँ डिस्ट्रक्शन का कोई स्कोप नहीं है।
ठीक है, सो दैट वे इट विल गिव यू वंडरफुल सपोर्ट, बराबर है। पर ये चीजें करना जरूरी है, ध्यान रहे, क्लैट जैसी परीक्षा आपको एक छोटे बच्चे से बड़े आदमी तक ले जाने की बात कर रही है, और वो बड़ी बात करने के लिए आप रेडी है या नहीं, आपकी मानसिकता उस तरीके से रेडी है कि नहीं, वही चेक हो रहा है। और मेरा भी ये मानना है कि भैया देखो, लीगल, जीके, मैथ्स, एलआर, इंग्लिश वो होता रहेगा, ठीक है, और उसके पीछे प्रोटोलेंट आपको भरपूर मदद तो कर ही रहा है, पर साथ साथ में ये मानसिकता भी डेवलप करनी जरूरी है। अगर आपकी ये मानसिकता डेवलप हो गई तो आप सब लोगों को आपके पीछे छोड़ दोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। मेरा मानना है आप सब लोगों को ये चीज़ दिमाग में डालनी चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ इस वीडियो को वापस देखें, आपको ये बातें वापस अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप जूझना, ठीक है, डेली टारगेट कंप्लीट करना, फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर एंड प्लान फॉर योर डिस्ट्रैक्शंस, ओके, चलिए ग्रेट। सो ये क्वालिटीज ध्यान रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।